रोहित शर्मा बिल्कुल लगान के वुमन की तरह है, ये कहना है भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी सरफराज खान का। हाल ही में दी गई एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कप्तान रोहित शर्मा की तुलना फिल्म लगान के आमिर खान द्वारा निभाए गए वुमन के किरदार से की। यह तुलना सुनकर तो आइए इस बयान के पीछे की दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। रोहित भाई सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। सरफराज खान का करियर भारतीय क्रिकेट में भले ही अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा के साथ बिताए पलों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो बेहद। उन्होंने बताया कि जब उनकी भारतीय टीम में एंट्री हुई तो रोहित ने कभी भी जूनियर जैसा महसूस नहीं कराया। रोहित हर खिलाड़ी का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे भुवन ने अपनी टीम के खिलाड़ियों का रखा था। सरफराज ने कहा, रोहित भाई बहुत अलग है, वो हमें हमेशा सहज महसूस कराते। जैसे लगान में भुवन ने एक टीम बनाई थी, वैसे ही रोहित भाई भी हमें प्रेरित करते हैं। रोहित की कप्तानी की खास बात क्या है? रोहित सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी अपने खिलाड़ियों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता रखते हैं। वो बड़े भाई की तरह सभी का ख्याल रखते हैं और अपनी टीम को एक परिवार जैसा मानते हैं। सरफराज ने कहा, हम मैदान पर हो या बाहर, रोहित भाई के साथ हर पल का मजा लेते हैं। अब सोचिए, जब आपके कप्तान आपको इस तरह से सहज और सुरक्षित महसूस कराए तो आपकी परफॉर्मेंस की, ये भी भावना है जो रोहित अपने खिलाड़ियों में जगाते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लगान के भुवन और रोहित शर्मा के बीच ऐसा क्या समान जो सरफराज ने दोनों की तुलना की। दरअसल भुवन ने लगान में एक ऐसी टीम बनाई थी जिसमें हर खिलाड़ी की खासियत को उभारा था, ठीक वैसे ही रोहित हर खिलाड़ी को उसकी ताकत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी से कब और कैसे बेस्ट प्रदर्शन निकलवाना है। सरफराज का कहना है कि जैसे भुवन ने अपने खिलाड़ियों को प्रेरित किया था, वैसे ही रोहित हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका समझाते हैं और उन्हें अपनी किल्स का पूरा उपयोग करने का। ध्रुव जुड़ेल का भी रोहित के लिए खास मैसेज। सरफराज की नहीं बल्कि एक और युवा खिलाड़ी ध्रुव जुड़ेल ने भी रोहित की खूबियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, टीवी पर जब मैं रोहित भाई को खेलते देखता था तो लोग कहते थे कि वो कितना समय लेकर शॉट खेलते हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें करीब से खेलते देखा तो महसूस किया कि वो कितने आसानी से मुश्किल गेंदों को भी दर्शक दीर्घ में भेज देते हैं। ध्रुव ने खास तौर पर रोहित के पुल शॉट का जिक्र किया जो क्रिकेट फैंस के बीच बेहद मशहूर है। उन्होंने कहा कि रोहित भाई का पुल शॉट सामने से देखना वाकई में एक खास। रोहित शर्मा एक असली लीडर। रोहित शर्मा सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कप्तान भी है। वो अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में यकीन रखते हैं और उन्हें कभी भी दबाव महसूस। यही कारण है कि भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी उनकी कप्तानी में खुद को इतना सहज महसूस करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा सच में भारतीय की, क्या उनकी कप्तानी भारतीय टीम को लगान की तरह एक ऐतिहासिक जीत की ओर ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम के एक और इतिहास रचने के लिए तैयार है? अपने विचार हमें जरूर बताइए।